हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया भी होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो मेरा जो काम है सुबह का सारे मैं फिनिश कर दिया हूँ और अभी मैं नहा के और पूजा वगैरह करके आ गई हूँ। और अभी मैं ले रही हूँ मेरा जो ड्रिंक, मतलब मॉर्निंग में जो मैं लेती हूँ, जो सौंफ का पानी। और अभी मतलब उसमें ना मैं मेथी नहीं डालती हूँ, क्योंकि ना अभी बहुत गर्मी हो रहा है ना, गर्मी का दिन है, तो इसीलिए मैं बस मतलब मेथी में ना मतलब ज़्यादा गर्मी होता है, तो इसीलिए गर्मी की वजह से मैं मेथी नहीं डालती हूँ। और बस खाली मैं अभी सौंफ का पानी ही मतलब बॉईल करके रात को भिगो के रखती हूँ, और उसके बाद मॉर्निंग में उठकर उसको मैं मतलब मेरा काम ख़त्म होने के बाद जाके मैं उसको मैं बॉईल करती हूँ, और उसके बाद उसको थोड़ी थोड़ी करके ठंडा करके मैं पीती हूँ, और अभी वही मैं पी रही हूँ। तो ये मेरा 2 वीक से ऊपर हो गया है, मेरा ये जो 32 बार फार्मूला, ये पी रही हूँ मैं मॉर्निंग में, और ये ना इतना बेटर फील हो रहा है अभी। और मेरा तो मतलब खांसी जो हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, अभी मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत कम हो गया है। और इसको पीने के बाद मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैं भी बोल रही हूँ कि मतलब जो भी आपको भी मतलब वही बोल रही हूँ कि आप अभी तक शुरू नहीं किए तो आप जल्दी से जल्द शुरू कर दीजिए ये जो 32 बार फार्मूला। बहुत लोगों के मन में ये सवाल है, ये जो 32 बार फार्मूला होता है ना, ये काम करता है या नहीं। मैं तो बोलूँगी ये करता है, क्योंकि ना मैं तो 2 वीक्स हो गया ये जो फार्मूला अपना है, और मुझे तो बहुत बेटर फील हो रहा है, और मुझे तो मैं तो वही बोलूँगी कि ये 32 बार फार्मूला काम ही करता है बहुत। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई किचन, और किचन में अभी बनाऊँगी लंच, और आज मैं सोयाबीन बनाऊँगी। और ये मिष्टी बोल रही थी सोयाबीन, क्या सोयाबीन कौन खाएगी? सोयाबीन कौन कौन खाएगा? सोयाबीन मिष्टी खाएगी सोयाबीन। तो इधर मैं सोयाबीन फ्राई कर रही हूँ, तो देखो कैसे क्या की तरह मुझे बैठी है सोयाबीन खाने के लिए। सोयाबीन बहुत पसंद है। मिष्टी ना अभी इतना बोलती है कि मतलब इतना क्लियरली बोल देती है सारे बातें, मुझे तो उसके साथ ज़्यादा बातचीत करने में बहुत मज़ा आ जाता है, तो मैं उसके साथ बात ही करती रहती हूँ। तो ये सोयाबीन आलू का सब्जी मैं बनाने वाली थी, और याद है कि पनीर भी मेरे पास थी, तो पनीर भी थोड़ी सी डाल दूँगी। छोटा वाला ये सोयाबीन, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राई होने के लिए, ये हो गया है, तो बस आलू थोड़ी सी फ्राई होगी। और इधर मेरा जो मसाला अभी भूंज रहा है, तो भूंजने के बाद ये जो मैं ये पनीर आलू और सोयाबीन को फ्राई करके रखी हूँ, और इसको मैं डाल दूँगी। और इधर मेरा तो चावल भी बैठा है और दाल भी मैं बैठा दिया हूँ, और एक साथ सारे काम मेरा फिनिश हो जाएगा। मैं थोड़ी सी जाके बैठ जाती हूँ। फ्रेंड्स, ये काम करते करते मुझे लगा प्यास लग रही थी, तो मैं इधर रख दो नीचे, मैं सोचा थोड़ी सी पानी पी लूँ, और इसके लिए मैं पानी को ले आई, तो मैं इधर बैठ गई। उठा देती हूँ, ये देखिए मैं किचन में स्टूल रखती हूँ हमेशा, क्योंकि ना मेरा काम इधर चलता रहता है, और इधर मैं आके थोड़ी सी बैठ जाती हूँ, और पानी पीना हो तो मैं थोड़ी सी ये गुनगुना गरम पानी लेकर आई हूँ, थोड़ी सी मतलब हल्की सी, बस इसको मैं पी लूँगी अभी। और पानी आप लोग जब भी पानी पियो ना, आप लोग को पानी बैठ के पीना है, बिल्कुल भी खड़ी होके नहीं पीना है, क्योंकि ना खड़ी होके पीने से पानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब हमारा जो बॉडी में बनता है, तो इसलिए हमेशा पानी को बैठ के पीना चाहिए।
तो मैं जब भी पानी पीती हूँ ना, मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ और बैठ के पानी मैं पीती हूँ। तो मेरा सिटील एक हो गया है, ये लो पानी पी लो थोड़ी सी। गरम पानी है थी। गरम पानी भी गरम पानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पानी पी लेती हूँ। चलो नो टची। मेरा पानी खत्म कर दिया मुश्किल है। तो मैं इधर गए, मतलब गुनगुना सा गर्म पानी लिया था पीने के लिए, और मैं ना इसी वजह से पी रही हूँ कि ना मेरा पेट ज़्यादा मतलब निकल गया है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी पानी अभी पी रही हूँ कि हल्का सा गर्म गुनगुना पानी। और इसको पीने से थोड़ा मतलब जो पेट में जो ज़्यादा मतलब चर्बी होता है ना, वो थोड़ा मतलब घट जाएगा, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी मतलब गर्म पानी थोड़ी थोड़ी मैं पी लेती हूँ कभी कभी। पेट कम करने के लिए ना ये जो गर्म पानी होता है बहुत मतलब ज़्यादा फायदेमंद होता है। ज़्यादा गर्म नहीं, बस गुनगुना सा गर्म पानी होना चाहिए। तो मेरा खाना बन गया था, और बनने के बाद मैं आ गई अभी खाने के लिए। टाइम भी अभी लंच का टाइम हो गया है, तो इसीलिए ये चावल और दाल और सब्जी, मेरा जो सब्जी बना रही थी पनीर और आलू और ये है सोयाबीन, आप लोग तो देखे होंगे, तो ये सब्जी। और मैं दाल में थोड़ी सी सब्जी डाली हूँ क्योंकि ना मिष्टी को मैं सब्जी थोड़ी सी खिलाती हूँ हमेशा, मतलब डेली दाल में मैं डालती हूँ उसके लिए, और उसको मैं अभी खिलाऊंगी। और मेरे साथ ही वो खाया, मतलब डेली मैं उसको खिलाती हूँ, अभी कुछ दिन हो गया है मैं उसको मेरे साथ ही खिलाती हूँ, क्योंकि ना बच्चे को ना साथ में खिलाने से वो जल्दी खाना खाना सीख जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं 32 बार के साथ ये फार्मूला ट्राई कर रही हूँ, मतलब चावल भी 32 बार चबा चबा के खाना है, और इसको हम अभी खाएँगे चावल और दाल, और थोड़ी सी सब्जी ली हूँ, मतलब ये है सोयाबीन और आलू, थोड़ी सी पनीर में डाली हूँ, बस ये सब्जी अभी खाएंगे। और मिष्टी भी मेरे साथ खा रही है लंच। फ्रेंड्स, आप लोग सोचते होंगे 32 बार फार्मूला के साथ ये चावल को भी खाना चाहिए या नहीं। हाँ फ्रेंड्स, ये ना सारे जो भी खाना आप लोग खाएंगे उसको 32 बार चबा चबा के खाने से ना ये आपका मतलब डाइटिंग में बहुत हेल्प करे मतलब करेगा, क्योंकि ना ये जो मैं चावल को भी 32 बार चबा चबा के खाने से ना ये पूरा बहुत मतलब ये जो हमारे बॉडी में ना ये जाके मतलब ज़्यादा मतलब लगता नहीं है, मतलब जो भी खाना खाते हैं ना वो आराम से पच जाता है, तो इसीलिए जो भी मतलब खाओ उसको मतलब 32 बार चबा चबा के हम लोग को खाना चाहिए। और मैं आज वही मतलब चावल को भी आज मैं 32 बार चबा चबा के खा रही हूँ, और इसका देखते हैं आगे इसका रिजल्ट, आप लोग को मैं ज़रूर आगे जो ब्लॉग बनाऊँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और क्या मुझे ये जो 32 बार फार्मूला से क्या फ़ायदा मुझे मिल रहा है, तो आगे जाकर आप लोग को पता ही चल जाएगा। मैं आगे जो भी मतलब बनाऊंगी ब्लॉग वगैरह आप लोग के साथ, मैं ये 32 बार के साथ आप लोग के साथ शेयर करते रहूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं।
खाना पीना हो गया है और अभी मैं बर्तन धो रही हूँ और बर्तन धोने के बाद जाके मिष्टी को भी सुलाऊंगी और इसलिए जल्दी जल्दी मुझे काम भी फिनिश करना होगा, किचन का सारे जो काम होता है। फ्रेंड्स, आज तो मैं 32 बार चबा चबा के पूरा मतलब थक गई हूँ, क्योंकि ना चावल को 32 बार चबा चबा के खाने से मुझे ना आज आधा घंटे से वो ऊपर ही लगा है। और क्या करें, हेल्दी रहने के लिए तो सारे जो रूल रेगुलेशन होता है उनको तो मानना पड़ेगा। और चलिए, मैं आज तो ये कर लिया हूँ। तो पहले तो ये टाइम तो लगेगा और मतलब इसमें एडजस्ट होने के लिए 32 बार से। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो बर्तन अभी धो लिया हूँ और खाना पीना होने के बाद बर्तन मैंने धो लिया हूँ। और इधर ना मतलब इस टाइम को मतलब दो बजे तक धूप आ जाती है। इधर देखो, इधर ना बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है, तो इसलिए मैं इधर ना मेरे जो किचन का जो टॉवल वगैरह होता है ना, ये सारे मैं इन पे धो के थोड़ी धूप में सुखा देती हूँ। तो धूप लग जाए तो अच्छे से सूख भी जाता है। मिष्टी आ जाओ। मैं क्या बोली थी, इसको हटाना है सारे। कौन होता, क्या हुआ, सारे ये हटाओ, जल्दी क्लीन करो, जैसे फैला के रखी हो जल्दी से क्लीन करो, नहीं तो मैं सारे टॉय ने लेके बाहर फेंक दूंगी। हाँ बेलून, सारे टॉय पहले इसको ऊपर रखो, जल्दी जल्दी, अभी सोने का टाइम है। देखो तो सारे टॉय खिला के रखिए, मैं सारे क्लीन करूंगी। रोज ही ये काम करती है, सारे ये टॉय फैला के रख देगी, बस मैं ही होती हूँ, इसको बस उठाते रहती हूँ सारे दिन भर। 50 बार ये टॉय को फैला के रखेगी। ये मैं आज ये लेके नीचे जो है ना बेबी, इसको दे दूंगी, बेबी को ये दे दूंगी मैं, ये जो हाँ मैं दे दूंगी। क्यों क्यों नीचे फैला के रखी थी, काम में भर दो, अभी अभी बोली थी ना। रुको, मैं ये ना दोपहर को तू जब सो जाएगी ना, मैं इसको लेके दे दूंगी नीचे, जो बेबी है बेबी को दे दूंगी ये सारे बॉल। हाँ वो तो बेबी है, नीचे जो आंटी का है ना, नीचे बेबी जो सोई बोली थी बेबी है। बेबी बेबी नहीं सोई है, मैं दे दूंगी दोपहर को, वो उठ जाएगी। जल्दी चलो सोना है ना, अभी जल्दी से सो जाओ, नहीं तो मैं सारे टॉय लेके नीचे दे दूंगी बेबी को, जल्दी से जल्दी चलो। तो फ्रेंड्स, अभी इवनिंग का टाइम है, तो मैं अभी बना रही हूँ बड़ा, और मेरा जो पूजा पाठ हो गया है इवनिंग में जो, और हस्बैंड भी आ चुके हैं ऑफिस से, तो वो बोले कि ये बड़ा खाने के लिए। और आज मौसम बहुत बढ़िया है, बाहर पूरा मतलब हवा भी तेज़ चल रहा है और लगता है बारिश भी होने वाला है, और इसलिए मैं बना रही हूँ बड़ा और हम खाएंगे सब। बहुत कम खाऊंगी, ज़्यादा नहीं, बस एक दो खा लूँगी। और तो चलिए फ्रेंड्स, ये मैं बना लेती हूँ। तो मिष्टी और हस्बैंड ने वो दोनों मतलब अभी खेल रहे हैं, और मिष्टी को तो बहुत पसंद है, पता है आप सबको हाइड एंड सीक बहुत पसंद है, वो दोनों वही खेल रहे हैं। गूगल कहाँ गए दादा, दादा कहाँ गए, हाँ ऑफिस से आ चुके, ऑफिस नहीं, क्यों आ रहा है।
डाडा गुस्सा होकर चले गए डाडा, क्या करोगे अब? हाँ, किसके साथ खेलोगी? किसके साथ खेलोगी? गूगल क्या है? तो इधर हम लोग का बड़ा मतलब मेरा बन गया था है? और हम लोग खा रहे हैं। फ्रेंड्स अभी 8 बजने के लिए और भी 15 मिनट बाकी है, तो ये बड़ा अभी मतलब बना के लाई हूँ। तो ये हम मतलब मेरा तो ये हो गया है मतलब डिनर, और देखते हैं हस्बैंड वो खाएंगे तो मैं बना दूंगी उनके लिए, जो डोसा का बैटर है तो उनके लिए बना दूंगी, और मिष्टी का तो मैं रोटी बस एक बनाऊंगी मिष्टी के लिए, मिष्टी खाएगी। मेरा तो डिनर हो गया है, सोने के टाइम बस दूध खाली पी लूंगी, बस हो गया मेरा। चलिए फ्रेंड्स मैं वीडियो को यहीं पे करती हूँ। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, हमेशा आप लोग भूल जाते हो शायद लाइक करने के लिए, तो लाइक कर देना, शेयर करना, और जो भी न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बाय बाय। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।